हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फोर क्लास 10th सामाजिक विज्ञान की बच्चों की वर्कशीट है, जो आपके लिए 16 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हमारा जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये कंटिन्यू करते हुए हम इसको आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो जो है मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। हमने पिछली वर्कशीट में जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि और कौन कौन से कारक थे जिन्होंने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किया। ठीक है, सो यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास जो है वो कैसे हुआ। सबसे पहले है फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। आप इसको जो है एक तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है उसके बीज की संख्या दे सकते हो, यानी जो बीज जो बोए गए थे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लिए वो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा बोए गए थे 1789 में। उसके बाद अगर हम देखें तो 1804 में जो है नागरिक संहिता, जो कि नेपोलियन के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, नागरिक संहिता 1804 में, उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में। ठीक है, इनको थोड़ा सा डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है वियना की संधि। वियना की संधि जो कि 1815 में की गई थी, और जो नेपोलियन है उसका जो राज था उसके बाद, यानी 1799 से लेकर 1815 तक नेपोलियन का राज रहा। उसके बाद 1815 में जो है वियना की संधि हुई। हालांकि ये संधि जो है ये असफल रही थी, लेकिन इस संधि जो ये संधि थी इसका भी बहुत अहम रोल था राष्ट्रवाद के उदय को लेकर। और इस संधि के द्वारा जो राजवंश हैं, यानी देखिए जो नेपोलियन है उसकी 1815 में नेपोलियन जब गए थे तो उस समय जो राजवंश है उसका अंत कर दिया गया था। क्लियर, लेकिन हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो वियना की संधि हुई उसमें क्या हुआ कि जो राजवंश था उसमें सबसे पहले उन्होंने बुर्बो जो राजवंश है उसको जो है बहाल किया गया था इस संधि के अनुसार। क्लियर, सो जो बर्खास्त राजतंत्र है उनको इन्होंने क्या किया था, इसके द्वारा जो बर्खास्त राजतंत्र है उनको बहाल किया गया था। नेक्स्ट है उदारवादियों की क्रांति, जो कि 1848 में रही। तो उदारवादियों की जो क्रांति थी, उदारवादियों के जो विचार थे, जो उनकी विचारधारा थी, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, उसका भी एक बहुत अहम रोल था राष्ट्रवाद के उदय को लेकर। उसके बाद 1866 से 1871 ये रहा जर्मनी का जो है एकीकरण, इसमें जर्मनी का एकीकरण रहा, जो अलग अलग ये छोटे छोटे जो राज्य थे क्षेत्र उनमें बटे हुए थे तो बाद में इनका एकीकरण कर दिया गया। उसके बाद इटली का एकीकरण 1859 से 1861 आएगा, यहाँ पे 1861 में इनका जो है एकीकरण किया गया था इटली का, और इटली छोटे छोटे सात जो है प्रांतों में बटी हुई थी, बाद में इसका एकीकरण किया गया। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो थे उन्होंने जो है उनकी विचारधारा जो है कुछ इस तरह की थी कि जो एक सामूहिक पहचान की भावना लोगों में पैदा हो सकती थी। बाद में क्या हुआ, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों का प्रारंभ किया, और जिसे 1804 की नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1804 में ही नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता जो है वो आई थी, और ये एक तरह का अपने आप में ही एक संविधान, इसको हम कह सकते हैं एक छोटा संविधान जिसको हम कह सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नेपोलियन का। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार जो है वो क्या थे, उदारवाद से जुड़े हुए थे, यानी जो उदारवादी विचारधारा थी उसने भी जो यूरोप में राष्ट्रवाद था उसका उदय किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे दिया गया है फ्रांसी क्रांति थी एवं राष्ट्रवाद, जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका क्या प्रमुख योगदान रहा राष्ट्रवाद में। तो सबसे पहले था संविधान आधारित शासन, तो फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद जो राजतंत्र था उसका अंत हो गया। ठीक है, हमने ये पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि किस तरह से जो फ्रेडरिक थे उन्होंने अपने चार चित्रों की सीरीज़ के द्वारा ये दिखाया था कि किस तरह से जो राजतंत्र है उसका अंत हो जाएगा, और इसी तरह से जो राजतंत्र है उसका अंत हुआ भी। ठीक है, तो संविधान आधारित शासन जो है वो लागू हुआ।
समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे विचार जो है वो उसमें शामिल किए गए कि सभी लोग समान हों, सभी लोग स्वतंत्र हो और भाईचारे की आपसी भावना हो। क्योंकि वहाँ पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, तो जो एक ही जैसी भाषा बोलते थे वो जो है क्या थे, एक दूसरे को अपना भाई बंधु समझते थे। तो इन चीज़ों का विचार जो है वो सम्मिलित हुआ और सब लोगों में स्वतंत्रता की जो भावना थी वो जागृत हुई। नेक्स्ट देखिए, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा। तो जो फ्रांस है उसमें तिरंगा झंडा जो है वो उन्होंने अपना तिरंगा झंडा बना लिया, और एक झंडा होने के बाद जो है एक नया क्रांति जो है लोगों में आई थी। क्लियर? तो जो भी आसपास के और जो राज्य थे वो भी जो है स्वतंत्र होना चाहते थे। यानी उससे पहले क्या था, राजतंत्र था, मोनार्की सिस्टम था, एक राजा के बारे में सोचते थे केवल, देश का कोई अस्तित्व नहीं था। राजा है तो वही जो है करता धरता है और वही सब कुछ है। ठीक है, राजा बदला तो इसका मतलब क्या हुआ कि उससे जुड़ी भावनाएं, उससे जुड़ी जो रिस्पेक्ट की बातें थी वो दूसरे के लिए हो गई। तो ये चीज़ चल रही थी। ऐसा नहीं था कि राष्ट्र के रूप में जो है राष्ट्र को कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि राष्ट्र था ही नहीं। तो तिरंगे झंडे से जो है एक बहुत बड़ा बदलाव आया। नेशनल असेंबली का गठन, तो जिस तरह हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट है उसी तरह नेशनल असेंबली का गठन किया गया, जहाँ पर दूसरे जो लोग थे, दूसरे जो क्षेत्र थे वहाँ से लोग आकर उसमें सम्मिलित होते थे। और इससे लोगों को अपनी एक इम्पोर्टेंस जो है उसका पता चला। ठीक है, जिसका एक अहम रोल था। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किया गया और मापतोल की एक समान व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर जो मापतोल की, जो नेपोलियन थे उसने क्या किया था कि मापतोल की जो है एक समान व्यवस्था की गई, आयात निर्यात शुल्क वो समाप्त कर दिया गया, और ये भी एक बहुत बड़ा अहम जो है रोल था राष्ट्रवाद के उदय में। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच को ही राष्ट्र की जो सांची भाषा है वो बना दिया गया। तो फ्रेंच जो है, यानी फ्रेंच को ही राष्ट्र की एक साझा भाषा जो है, एक दर्जा दे दिया गया फ्रेंच भाषा को। उससे पहले क्या था कि एक तरह से कोई ऐसी जो है भाषा नहीं थी जिसको इस तरह से राष्ट्रभाषा के रूप में एक दर्जा दिया गया हो, और बहुत भाषा बोलने वाले लोग जो है वहाँ पर रहते थे। ठीक है, जैसे हंगरी की जो आदि जो पॉपुलेशन थी वो मैग्यार भाषा बोलती थी, आदि दूसरी बोलती थी। तो ये जो चीज़ें थी ना, भाषा में विविधता है और एक ही भाषा के लोग, वो अपना भाईचारा बंधुत्व की भावना है। तो ये चीज़ें जब डेवलप हुई तो ये उदय का जो है कारण बनती चली गई। ठीक है, ये उदय केवल ऐसा नहीं था कि एक दिन में हो गया, नहीं, इसको धीरे धीरे बहुत सारे कारण इसमें रहे हैं जो धीरे धीरे लोगों में एक राष्ट्र के प्रति एक भावना जागृत हुई कि हमारा भी एक राष्ट्र होना चाहिए। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, 1804 की नागरिक संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट स्टूडेंट्स आपके लिए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट्स थे। जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति, तो जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार लोगों को दिए जाते थे उन अधिकारों की समाप्ति कर दी गई। कानून के समक्ष समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया कि कानून के समक्ष जो है सभी लोग वो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, और संपत्ति जो है अधिकार, यानी जिसकी जो संपत्ति है वो सुरक्षित रहेगी, किसी से किसी तरह की कोई संपत्ति छीनी नहीं जाएगी। ये चीज़ें बहुत बड़ी थी राष्ट्रवाद के उदय को लेकर। प्रशासनिक विभाजनों को जो है सरल बनाया गया। सामंती व्यवस्था, ये सबसे बड़ा इफेक्टिव था राष्ट्रवाद के उदय को लेकर। ठीक है, तो सामंती व्यवस्था थी वो ख़त्म कर दी गई। यानी लोगों को जो फ़ायदा या जो होने वाला था या नुकसान जो होने वाला था वो डायरेक्ट अब जो है जो सरकार बनी थी, ठीक है, डायरेक्ट सेंट्रलाइज उसको कर दिया गया था। बीच में जो सामंत थे उनको ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट है किसानों का भूदासत्व और जागीरदार शुल्कों से मुक्ति। तो किसानों को जो है जागीरदारी शुल्क जो होते हैं, कर जो होते हैं, उनसे हटा दिया गया उनके ऊपर से। नेक्स्ट है शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों को नियंत्रणों से को हटा दिया गया। तो ये कुछ जो है 1804 की नागरिक संहिता के कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है उदारवादी राष्ट्रवाद। तो उदारवादी राष्ट्रवाद में राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या रहे। सहमति पर आधारित सरकार अर्थात राजतंत्र का अंत। तो उदारवादी राष्ट्रवाद, ये उदारवादी जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, उसके अनुसार क्या था कि जो राजतंत्र है उसका अंत होना चाहिए। ठीक है, राजतंत्र का अंत हो, संविधान आधारित जो है क्या होनी चाहिए, शासन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए जिसके अनुसार जो है शासन हो। संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित होना चाहिए। विशेष अधिकार जो दिए जाते हैं उनका अंत होना चाहिए। कानून के सभी समक्ष सभी लोग समान हों।
मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं। ये यानी देखिए ये पॉइंट भी जानने लायक है कि जो ये लोग थे ना उदारवादी, ये लोग जो है मताधिकार तो चाहते थे लेकिन सबके लिए नहीं। ये इनका मानना था कि जो केवल जो प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं, अमीर लोग हैं, ठीक है, उन्हीं को मताधिकार का मत जो है मत देना चाहिए, उन्हीं को मताधिकार का आप कह सकते हो राइट देना चाहिए, ठीक है। यानी वो जो आम जनता थी उसको मताधिकार के समर्थन में नहीं थे, ठीक है। और यही कारण था कि जो औरतों का मताधिकार है वो तो आप कह सकते हो कि बहुत बाद में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है मुक्त बाज़ार, ठीक है, यानी चीज़ों के ऊपर आयात निर्यात पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, वस्तु एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति। तो ये सारे जो है उदारवादी और राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में उदारवादियों के द्वारा दिए गए अपने जो है सुझाव थे, क्लियर। और ये जो थी ये काफ़ी आप कह सकते हो ये कारण बने राष्ट्र यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से चार प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर आपको डायरेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट इस वर्कशीट में ही दिए गए हैं, यहीं से आप लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आपको 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताओं की व्याख्या यहीं से करनी है। ये पूरा का पूरा आपका प्रश्न एक का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहीं से आप इसको ऐसे ही पॉइंट बना के लिखिएगा, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री करके, ठीक है। तो ये जो है आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू रहेगा आपका, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को किस प्रकार मजबूत किया, ठीक है, कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसने राष्ट्रवाद का विचार जो है उनको कैसे मजबूत किया। तो इसमें भी आपके जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं, ये जो है फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद के ऊपर आधारित पॉइंट हैं, तो आप ये करेंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो जाएगा, क्लियर। बहुत ही अच्छे से दिया गया है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से याद करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपको दिया गया है, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताओं को लिखिए। तो उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं हैं ये सारी ही जो है क्या थी, इसकी विशेषताएं थी, क्लियर। तो आप जो है यहाँ पे सीरियल नंबर डाल के इनको लिख सकते हैं। नंबर टू संविधान आधारित शासन, नंबर तीन संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित है, नंबर चार विशेष अधिकारों का अंत, नंबर पाँच रहेगी कानून के समक्ष समानता, ठीक है। तो आप जितने चाहो उतने पॉइंट आप इसमें यहाँ पर लिख सकते हो, मिनिमम तीन चार पॉइंट तो आप ज़रूर लिखिएगा। नंबर सिक्स रहेगा ये मताधिकार का समर्थन लेकिन सबके लिए नहीं, नंबर सात है मुक्त बाज़ार और नंबर आठ है वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंधों से मुक्ति। तो ये पॉइंट जो है आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न चार है, फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों। तो कौन से विचारों से आप सबसे अधिक प्रभावित हैं, इसका आंसर हम करेंगे। सो यहाँ से आप आंसर करेंगे, देखिए प्रश्न चार का, आप फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों से सबसे अधिक प्रभावित हैं तथा क्यों। तो मैं फ्रांसीसी क्रांति की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों से प्रभावित हूं, क्योंकि ये विचार मानव के मूल अधिकार, आपसी प्रेम और शांति को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आप लिख देंगे। सो ये थी आपके आज की बच्चा एसएसटी की वर्कशीट, आई होप सभी को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।